देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी होने के साथ साथ दिल्ली में घटने वाली हर घटना भारत के साथ साथ पूरे विश्व पर असर डालती है। और जिस तरह से दिल्ली की स्थानीय सरकार अरविंद केजरीवाल ने प्रशासकीय गरिमा को जो क्षति पहुंचाई है और जिस तरह का आचरण किया है, उससे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की छवि पर असर पड़ता है। और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि दिल्ली में घटने वाली हर घटना का असर दिल्ली में पूरे विश्व के राजदूत रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहां है, राष्ट्रपति यहां है, पार्लियामेंट यहां है, हर घटना का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए जरूरी था कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो, और जिस तरह का आंदोलनजीवी व्यवहार ये लोग कर रहे थे वो गरिमा के अनुरूप नहीं था। इसलिए भारत की छवि के लिए, दिल्ली की छवि के लिए इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल बार बार केंद्र सरकार और एनडीए पे आरोप लगाते रहते हैं कि काम नहीं करने दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए रात के 3 बजे ताले तोड़ेंगे, अफसर को धमकाएंगे, डराएंगे, ये व्यवहार उनको शोभा देता है क्या? इस बात की शपथ ली थी अरविंद केजरीवाल ने? गुंडागर्दी की शपथ ली थी क्या? अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए शराब घोटाले की जो जांच कर रहे हैं, जो फीडबैक यूनिट की जांच कर रहे हैं, जो इनके शीश महल की जांच कर रहे हैं, जहां इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, उन अधिकारियों को डराएंगे क्या? आप धमकाएंगे क्या? ऐसे चलेगी सरकार? चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मार देंगे घर बुला के? किसी भी अफसर को थप्पड़ मारेंगे आप? सरकारें ऐसे नहीं चलती, एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन सबको करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल आज मंत्रियों का आमला लेकर के, पूछिए उनसे कि 5 मंत्री अलग भेजे और खुद अलग क्या करने गए थे? सौदेबाजी करने गए थे क्या? 5 मंत्री उन्होंने अलग क्यों भेजे, खुद अलग क्यों गए थे? अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपने डर को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल दोगलापन करते हैं। वो अंदेशा भी जता रहे थे कि कोई सरकार, केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है, जिस तरह से दिल्ली का अरविंद केजरीवाल को पता है कि उसकी चोरी पकड़ी जा रही है। अरविंद केजरीवाल को मालूम है उन्होंने चोरी की, उनको भ्रष्टाचार के बारे में पता है और उनको अपना अंजाम भी पता है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं।